हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BEGLA 135, यानी कि बैगला 135 के ऊपर हम बात करने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 है हमारा, जिसका नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज। इसके ऊपर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आपने कभी नीरज पब्लिकेशन का नाम ज़रूर सुना होगा। इनकी बुक्स पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी होती है और अभी इनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको मिलेगा फ्लैट 50% का डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप 500 से अधिक की किताबें खरीदते हो, किताबें खरीदने के लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस टाइप की यहाँ पर जो किताबें खरीद सकते हो, गाइड बुक हो गया या सैम्पल पेपर वगैरह। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो हमारा डिस्काउंट कूपन भी यूज़ कर सकते हो जो कि है एकलव्य। इस डिस्काउंट कूपन को इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा अपनी खरीदारी पर। यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके यूनिट नंबर जो थर्ड है यहाँ तक आपका जो है कम्प्लीट हो चुका है, और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो फोर्थ है आपका, ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर से देख सकते हो और कुछ पूछ सकते हो। इंट्रोडक्शन के ऊपर चलते हैं और यहाँ से हम सभी चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो इसको आपको पहले समझना होगा कि ये क्या होता है। इसका मतलब होता है कि गैर मौखिक संचार, और इसका मतलब होता है कि हम यहाँ से क्या है कि मुंह से बोलकर बात करने के बजाय हम दूसरे तरीके से यहाँ पर कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें किसी से भी कम्युनिकेशन करना हो, हमें अपने जो विचार है उसका आदान प्रदान करना हो, तो हमारे पास उसके लिए दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा मौखिक, जिसमें हम सिंपल बोलकर अपनी बातें जो है रखते हैं, और दूसरा है यहाँ पर गैर मौखिक। तो इसके बारे में जो है हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर बात करने वाले। यहाँ पर बताया गया है कि जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज को समझना और गैर मौखिक संचार यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है जितना अपना मौखिक संचार यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये क्यों इतना ज़रूरी है, मतलब कि जब हम ऐसे नॉर्मली जो है मौखिक रूप से बात कर सकते हैं, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास है, तो हमें बॉडी लैंग्वेज सीखने की और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सीखने की मतलब क्यों इतनी ज़्यादा जो है आवश्यकता पड़ती है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारे लिए जो बॉडी लैंग्वेज है वो क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और हमारे दैनिक जीवन में बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट हो गया है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो बातचीत करने के लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि गैर मौखिक संचार का इस्तेमाल जो है वो हो रहा है संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। इसलिए इस चैप्टर के अंदर में हम जो है अपनी यहाँ पर स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स को अच्छा करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और डेवलप करने के लिए जो यहाँ पर सारी चीज़ों को समझेंगे प्रॉपर तरीके से और अपने कौशल को विकसित करेंगे। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। यहाँ पर समझते हैं हम चैप्टर एट ए ग्लैंस, व्हाट डज योर बॉडी लैंग्वेज से अबाउट यू। इसका मतलब होता है दोस्तों, जो हमारी शारीरिक भाषा है आपके बारे में क्या कहती है। ठीक है, ये सारी बातें जो है हम यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन के जितना ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है वो बताया जा रहा है डे टू डे लाइफ में लोगों से बातचीत करने के लिए। यानी कि सिंपली भाषा में अगर हम यहाँ पर ये बोले तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो संचार करने के लिए मौखिक संचार जितना ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर गैर मौखिक संचार भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या है कि हम फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर, ठीक है, यानी कि चेहरे के भाव को देखकर एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है, वो जो व्यक्ति है वो किस तरीके के कपड़े पहनता है, ठीक है, यानी कि उसका पहनावा, उसका रंग रूप, ठीक है, उसका रंग रूप किस टाइप का है, उसके बैठने या खड़े होने का तरीका किस टाइप का है, वो किस तरीके से बंदों को स्पर्श करता है, उसके गेस्चर्स यानी कि उसके हाव भाव की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है,
उसके हाव भाव किस टाइप के हैं, इन सभी चीज़ों से बहुत कुछ जो है उस बंदे के बारे में पता चलता है। इसलिए यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है बताया गया है। तो इस चैप्टर में हम क्या है कि बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी बातों को यहाँ पर समझने वाले हैं, ये बात इस टॉपिक में यहाँ पर बताई गई है। सिंपल है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। वैकेबलरी वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, इसे समझते हैं। यहाँ पर वैकेबलरी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है बताया गया है कम्युनिकेशन के अंदर में। यहाँ पर बोला है कि संचार की कुंजी बोला गया है वैकेबलरी को, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बहुत बड़े लार्ज मेजोरिटी जो लर्नर्स है, जो विद्यार्थी है, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो मेन गोल है वो है कि वो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना जो यहाँ पर सीख पाए एक न्यू लैंग्वेज को, ठीक है। यानी कि बहुत अच्छे से यहाँ पर बातचीत करने में, संवाद करने में वो सक्षम हो पाए, कम्युनिकेट कर पाए बहुत बढ़िया से न्यू लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये इनका है। अगर आप पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहते नॉन वर्बल स्किल्स पर, तो यहाँ पर आपको वोकैबुलरी जो है सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है विदेशी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बोलवाला है, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसलिए आपको क्या यहाँ पर वोकैबुलरी की मास्टरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। शब्दों को बहुत अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, आप शब्दों को बहुत अच्छे से समझ पाए, तो इसके लिए आपको खूब जो है यहाँ पर रीडिंग करनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिससे जो वोकैबुलरी है वो आपकी इम्प्रूव हो सके बहुत अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जो बातें हैं वो इस टॉपिक में बताई गई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्पीकिंग रोल प्ले, और इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ये टॉपिक हमारा क्या है, रोल प्ले से रिलेटेड है, तो इसके अंदर क्या है कि हम यहाँ पर रोल प्ले के बारे में समझेंगे। जैसे कि आपके अध्ययन केंद्र में जहाँ पर भी हम पढ़ाई वगैरह करते हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की स्थिति दी जाएगी छात्रों को, ठीक है। और वहाँ पर क्या है कि उसके अनुसार क्या है अपना जो रोल प्ले है वो करेंगे, ठीक है। वहाँ पर उनको क्या करना है, ट्राई करना है कि अपने बॉडी लैंग्वेज को और चेहरे के भाव का उपयोग जो है वो अच्छे तरीके से करे, जिससे उनका जो रोल प्ले है वो अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ सिचुएशन दी जाएगी कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो, आप कैसे यहाँ पर अपने फेशियल एक्सप्रेशन को दिखाओगे, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वाला यहाँ पर जो है काम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन दी गई है। पहली सिचुएशन है कि कल्पना कीजिए कि आप में से एक ल्यूक है और दूसरा श्रीधर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि ल्यूक जो है किस टाइप का होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि ल्यूक जो है बहुत गुस्से और उत्तेजित करने वाला कार्य करता है, ठीक है। कभी कभी वो ऐसे क्या करता है, गुस्सा दिलाने वाला जो है वो कार्य करता है। तो आपको क्या है कि अपने हाव भाव में गुस्सा व्यक्त करना है और ये दिखाना है कि आप बहुत ज़्यादा क्या हो यहाँ पर, अपसेट हो, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें करेगा, तो वो किस प्रकार से करेगा ये आप यहाँ पर इमेजिन जो है वो कर सकते। एज ए श्रीधर दोस्तों, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? आपका फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए कि आप जो है यहाँ पर ल्यूक की सारी बातों को अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। और आप उसके तौर तरीके को अच्छे से समझ चुके हो, और आप उसको ये विश्वास दिला सको कि उसकी जो कार है वो ठीक हो जाएगी। यानी आप समझ पा रहे हो ना कि कोई बंदा क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी चेहरे से पता चल रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। तो आप उसके प्रति कैसा व्यवहार करोगे? आप ऐसा व्यवहार करोगे कि आप उसकी बातों को अच्छे से समझ रहे हो। अगर आप ऐसा व्यवहार करते हो कि आप उसकी बातों को अच्छे से नहीं समझ रहे, तो वो और गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। और आप उसको ये आश्वासन दिला सकते हो कि आपका जो भी ये पर्टिकुलर काम है वो पूरा हो जाएगा, जहाँ पर इनको बताया गया है कि आपकी जो कार है वो रिपेयर हो जाएगी प्रॉपरली तरीके से, अच्छे से, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा वाला आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि आपको इमेजिन करना है यू आर ए गीत सेठ। इस चीज़ से क्या है, आप यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी कभार हमारे डे टू डे लाइफ में होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, कल्पना करना है आपको कि आप क्या है कि एक कंप्यूटर कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे हो, और आपसे यहाँ पर वादा किया गया है, आपसे यहाँ पर प्रॉमिस किया गया है कि आपको अब्रॉड भेजा जाएगा, यानी कि आपको विदेश भेजा जाएगा किसी काम से, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट से आपको विदेश भेजा जाएगा।
भेजने का वादा हो गया है, लेकिन 11वें घंटे में आपको यहाँ पर ये बताया जाएगा, मैनेजर आपको बताएगा कि किसी और बंदे को हमने जो है यहाँ पर भेज रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा आएगा, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाओगे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो इस समय आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने सामने हो गए दो कैरेक्टर, एक तो हो गया जिसको मना किया जा रहा है, प्रॉमिस हो चुका है लेकिन अब जो है उसको मना किया जा रहा है कि उसको नहीं भेजा जाएगा, किसी और बंदे को भेजा जाएगा, जो कि है गीत सेठ। लेकिन जो दूसरा कैरेक्टर है वो अपना मैनेजर का हो गया। तो इस दोनों का जो भी यहाँ पर भूमिका अदा करेगा, जो रोल यहाँ पर प्ले करेगा, उसको यहाँ पर बहुत अच्छे से डील करना है कि अब जो गीत सेठ है उसको गुस्सा तो आ रहा है लेकिन वो अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करेगा, कैसे एक्सप्रेशन देगा वहाँ पर, और जो वहाँ पर जो उसका मैनेजर है, उसका जो पार्टनर मैनेजर है, वो किस टाइप से अपनी भूमिका निभाएगा, वो कैसे अपना जो है वहाँ पर उसको सावधानी से उसको वहाँ पर निपटना पड़ेगा, सामने वाले बंदे की बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, फेशियल एक्सप्रेशंस को समझना पड़ेगा, और वो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और ही कह रहा होगा लेकिन इसको कहीं और उससे ज़्यादा जो है समझ में आ रही होगी चीज़ें। आप समझ पा रहे हो, देखिए सिंपल सी बात है, एक बंदा है ए, ठीक है, उसको ये बताया गया कि तुम्हें कंपनी के किसी काम से बाहर भेजा जाएगा लेकिन उसके बदले किसी और को भेजा जाएगा, और ये बात उसको बताई जा रही है, तो बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा। और यहाँ पर बंदा है बी, मैनेजर, अब इसको क्या है, इसको बहुत अच्छे से ए वाले को मैनेज करना है, उसको समझाना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपको सिंपल ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि रोल प्ले में क्या है, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सभी चीज़ें वहाँ पर समझाई जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर डील होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात थी, समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लिसनिंग प्रेजेंटेशन ऑन बॉडी लैंग्वेज, इसे समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं कि इस टॉपिक में क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो बॉडी लैंग्वेज है इसको बहुत सारे बंदे जो है गौर नहीं करते इस पर, ठीक है, सब इस पर गौर नहीं करते और इस पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन क्या है कि हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा इस पे पर्याप्त जो ध्यान है वो नहीं दिया जाता, इसको हमेशा ये कोशिश किया जाता है कि शब्दों के पीछे इसे छुपा दिया जाए। आप समझ पा रहे हो ना, मान के चलिए कि आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और सामने वाला बंदा कुछ ऐसी बात कर रहा है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या है कि आप उस चीज़ को किसी शब्द के पीछे टाल रहे हो, छुपा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि क्या है कि हम सभी को यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम किसी को मूर्ख नहीं बना सकते, और सामने वाले बंदे को पता चल जाता है, अगर आप अपने बॉडी आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को सही से नहीं समझ पाओगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि आप जो है वहाँ पर उस चीज़ से कैसा फील कर रहे हो, ठीक है। जिस प्रकार जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भाषा पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि समझ पा रहे हो ना, भाषा तो उनके लिए बहुत छोटे हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनको जो है यहाँ पर इस चीज़ से ज़्यादा यहाँ पर फर्क पड़ जाता है, और वो इस चीज़ से ज़्यादा यहाँ पर जो अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और समझ जाते हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप बॉडी लैंग्वेज को किस प्रकार से थोड़ा जो है सीखने का प्रयास कर सकते हो, यानी कि सीख सकते हो। बॉडी लैंग्वेज सीखने का एक तरीका बताया जा रहा है कि आप क्या है यहाँ पर टेलीविज़न देखिए और जो साउंड है उसको म्यूट कर दीजिए, यह साउंड को वहाँ पर बंद कर दीजिए बिल्कुल, और क्या है कि उससे क्या होगा कि टीवी की साउंड को जब आप बंद कर दोगे तो आप केवल बॉडी लैंग्वेज पर वहाँ पर फोकस कर पाओगे और आप उस चीज़ को वहाँ पर समझ पाओगे और आपका ध्यान जो है ज़्यादा जाएगा बॉडी लैंग्वेज सीखने की तरफ, क्योंकि आप वहाँ पर उसकी केवल बॉडी लैंग्वेज देखोगे अगर आपको साउंड नहीं आएगी तो, ठीक है। और जब आप पूरा अनुभव कर लोगे तो आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा, आप अनुभव कर पाओगे अपने आप में ही कि मनुष्य जो भी वहाँ पर बातें कर रहा है अपने मुंह से, उससे ज़्यादा, उससे कई ज़्यादा उसके गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज जो है हमें वहाँ पर बता देता है। कई बार क्या होता है, बंदा बताने की कुछ कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज उस बात के बिल्कुल विपरीत होती है, ठीक है, यानी कि कहना कुछ चाह रहा है वो और कुछ कह रहा है, और जो रियल बात है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज उससे बोल रही होती है, जो उस बात के बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, इसी बात पर क्या है कि आपका यूनिट जो यहाँ पर ख़त्म होता है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो।
वीडियो आपकी ख़त्म हो चुकी है, और लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।